दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और क्रिसमस हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले अब जाके उन्हें देख लें, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि स्नोमैन रॉड को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रॉड दूर जाकर फेंकाता है और उसका सर फट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर स्नोमैन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुश होकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि जिसने उसे मारने की कोशिश की थी वो वहाँ पर मरा पड़ा है। स्नोमैन को लगता है कि रॉड मर चुका है और अब वो उसका कुछ नहीं फाड़ सकता और उसे कोई मारने वाला भी नहीं है। तभी गुल्ली भी घर के बाहर आ जाता है और वो अपने सामने स्नोमैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और स्नोमैन भी गुस्से से गुल्ली की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर तक गुल्ली को देखने के बाद स्नोमैन उसे मारने के लिए गुल्ली की तरफ बढ़ता है और वो गुल्ली के पास आते ही गुल्ली को पंच मारने लगता है। स्नोमैन गुल्ली को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है और वो वहीं रुक जाता है। और इसके बाद गुल्ली और स्नोमैन दोनों पीछे देखने लगते हैं और इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तीनों ये देखकर हैरान है कि यहाँ पर तो बाबा आ चुके हैं और अब बाबा इन लोगों को बचा लेंगे। बाबा अपनी बाइक को गुस्से से स्नोमैन की तरफ ले जाने लगते हैं। अब लगता है स्नोमैन का आखिरी वक्त आ चुका है और अब वो बाबा से नहीं बच सकता। गुल्ली बाबा को पास आता देखकर बाबा के इरादे समझ जाता है और इसके बाद वो स्नोमैन के पीछे से भाग कर दूर हो जाता है और दूर आकर खड़ा हो जाता है और वो स्नोमैन को देखने लगता है। और तभी देखते ही देखते बाबा अपनी बाइक को सीधे स्नोमैन के ऊपर ले जाकर ठोक देते हैं, जिससे स्नोमैन दीवार तोड़कर सीधे घर के अंदर फेंका जाता है। स्नोमैन दीवार तोड़ के दूसरे दीवार से टकराता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और बाबा को लगता है कि स्नोमैन मर चुका है और अब ये इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद बाबा अपनी बाइक को पीछे लेते हैं और घर के बाहर बाइक लगाकर खड़ा कर देते हैं और ये सब कुछ गुल्ली साइड में खड़ा देख रहा होता है। घर की हालत देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है, अरे बाबा आपने ये क्या कर दिया, आपने तो घर के साथ साथ हमारी घर की दीवार ही उड़ा दी, अब इसे हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा। क्या बाबा आपने भी हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान करा दिया, अब इसे हम कैसे बनवाएंगे, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। ये सुनकर बाबा बाइक से उतर जाते हैं और वह गुल्ली की तरफ देखते हुए बोले, गुल्ली तुम घर की टेंशन मत लो, उसे मैं रिपेयर करा दूंगा, लेकिन क्या तुम अभी मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है और ये हाथी जैसा आदमी कौन है और रॉड यहाँ पर सो क्यों रहा है, क्या इसे अपने घर पर सोने को जगह नहीं मिली या फिर कुछ और बात है। ये सुनकर गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि ये स्नोमैन है और इसे रॉड ने जिंदा किया है और ये अब तक एक आदमी को मार भी चुका है और रॉड यहाँ पर सो नहीं रहा है बल्कि वो बेहोश है, क्योंकि स्नोमैन ने उसे एक ज़ोरदार पंच मारा है जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह चुका है और अब आप उसे ठीक कर दीजिए वरना वो मर जाएगा। बाबा बोले, हाँ ज़रूर मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन क्या तुम अभी मुझे ये बता सकते हो कि आखिर गुल्ली और शॉन कहाँ है, और तुम रॉड को दोबारा घर पर मत बुलाना वरना ये फिर से ऐसी कोई हरकत करेगा और तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। बाबा की ये बात सुनते ही गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा मैंने रॉड को नहीं बुलाया बल्कि ये खुद ही आया था और अगर अब से ये दोबारा हमारे यहाँ आएगा और ऐसे कोई फालतू के एक्सपेरिमेंट करेगा तो हम इसे मार मार का मजा चखा देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद गुल्ली और शॉन को भी बाबा से बात करने की चुल मस्ती है और वो लोग भी बाबा और गुल्ली के पास जाने लगते हैं। ये लोग तुरंत ही बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर ये लोग बाबा से बोलते हैं, बाबा इस स्नोमैन को जलाकर ख़त्म कर दीजिए क्योंकि इसने हमें बहुत परेशान किया है और इसने एक चोर को भी मारा है और ये अभी मरा भी नहीं है, जल्दी से इसे मारकर ख़त्म कर दीजिए। इन लोगों की बातें सुनकर बाबा तुरंत ही पीछे देखने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई देता है। बाबा देखते हैं कि स्नोमैन तो सच में नहीं मरा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है और तभी देखते ही देखते स्नोमैन अपने सर को यहाँ वहाँ घुमाने लगता है और थोड़ी देर बाद उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को गुस्से से देखने लगता है और बाबा को देखते देखते चिढ़ने लगता है। इसके बाद स्नोमैन बाबा को मारने के लिए बाबा के पास काफ़ी तेजी से आता है। स्नोमैन जैसे ही बाबा के पास आता है वो बाबा पर हमला करने लग जाता है, लेकिन इसका हमला बाबा रोक लेते हैं और इसके बाद देखते ही देखते बाबा अपना हाथ स्नोमैन से छुड़ाते हैं और फिर बाबा को आ गया जोरदार गुस्सा और बस फिर क्या था, बाबा ने एक लात धर दिया स्नोमैन को, जिसकी वजह से स्नोमैन दूर जाकर दोबारा फेंका जाता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। और ये देखकर बाबा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उनका गुस्सा अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। इसके बाद बाबा पीछे जाते हैं और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए अपने हाथ को हवा में उठाते हैं और एक बिजली का ज़ोरदार वार करते हैं और वो वार सीधे वो स्नोमैन पर करते हैं, जिसकी वजह से स्नोमैन के शरीर में आग लग जाती है और वहीं पर जलने लग जाता है।
थोड़ी देर जलने के बाद उसका शरीर पूरी तरीके से राख बन जाता है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद बाबा रॉड को ठीक कर देते हैं और इसके बाद ये पांचों मिलकर डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको इनमें से किसका डांस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।